वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका CMO ने सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। दरअसल महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर नगर पालिका एवं वाल्मीकि समाज जनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमीर सिंह सोलंकी, जिला पंचायत अध्यक्ष ने सामुदायिक सुलभ कॉम्प्लेक्स और उसके ऊपर लोकसभा सांसद निधि से बनाने वाली जिम का लोकार्पण किया। वहीं हाल ही में नगर पालिका स्वच्छ सर्वेक्षण में बड़वानी का नाम गौरवान्वित होने पर सफाई मित्रों का सम्मान राज्यसभा सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, CMO द्वारा किया गया। वहीं राज्यसभा सांसद ने बताया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में स्वच्छता अभियान चलाकर देश की दशा ही बदल दी। वहीं सभी से अपील कर कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत सभी स्वच्छता के नियमों का पालन करें तो भारत माता का कोना कोना सोने के समान चमकने लगेगा। आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर नगर परिषद बड़वानी के बैनर तले और नगर के वाल्मीकि समाज ने एक बहुत ही सुंदर आयोजन वाल्मीकि जयंती के अवसर पर किया। आज सचमुच में हम सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया था। उस अभियान के अगर सही मायने में आदिकाल से अगर कोई वाहक है उस अभियान का, तो वो है वाल्मीकि समाज। और आज वाल्मीकि समाज के उन सभी भाइयों और बहनों का सम्मान किया गया जिन्होंने बड़वानी नगर को स्वच्छ नगर, साफ नगर, क्लीन नगर बनाने का काम किया। ऐसे कम से कम 200 से अधिक भाइयों और बहनों को आज सम्मानित किया गया और साथ में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर उनको शुभकामनाएं भी दी गई, बधाई भी दी गई। मैंने उनसे आग्रह किया और नगर के अन्य लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज ने स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को अपने हाथ में लेकर काम किया है, ऐसे पूरे बड़वानी नगर के 65,000 से अधिक नागरिकों से और देश के नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि वसुंधरा को संवारने के लिए भारत माता का कोना कोना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत साफ सुथरा रखने की अपील भी की है। और मैं इस अवसर पर पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी वो निभाते रहेंगे। धन्यवाद।